तो स्टूडेंट्स तो आज ही हम इस वीडियो के अंदर काउंट डाउन सेवन मैथ के चैप्टर नंबर फोर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपसे शेयर करने जा रहे हैं तो एक्सरसाइज फोर ए के अंदर क्वेश्चन नंबर वन के अंदर कह रहे हैं कि एक वैल्यू दी हुई इसका आपने बताने कि ये वैल्यू किसका स्क्वायर रूट है तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव लेने नेगेटिव नहीं लेना चूँकि रूट से जो वैल्यू बाहर निकलती है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है लेकिन हमने पॉजिटिव वाले आंसर को कंसिडर करना है अच्छा टू के अंदर जो है वो वन ज़ीरो टू फोर का आपने एलसीएम लेना है अच्छा किसी वैल्यू का आ, ये देखना हो कि कोई वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं तो एक मेथड तो फैक्टराइजेशन का फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए यानी कि फैक्टर्स बना के चेक कर लें अगर फैक्टर्स जो भी हैं अगर वो पेयर में आ रहे हैं तो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है और कोई एक फैक्टर भी अनपेयर निकला तो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी और पेयर बनने के बाद सिंगल वैल्यू को हम ले लेते हैं यानी कि पेयर बनने के बाद सिंगल वैल्यू रूट से बाहर आती है और सारे सिंगल वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो फाइनल आंसर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा सेकंड पे देखते हैं जी पार्ट थ्री एंड फोर भी इस तरह वन डबल टू फाइव वन सेवन सिक्स फोर पार्ट फाइव है क्वेश्चन नंबर टू के अंदर कह रहे हैं वो कौन सा छोटा नंबर है कि फाइव वन टू को जब उससे मल्टीप्लाई किया जाए तो आने वाला आंसर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो आप देख लें इसका एल्सियम देखें जो अनपेयर होगा उस अनपेयर वाली वैल्यू को उससे वापस मल्टीप्लाई कर दें तो आने वाला आंसर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा अच्छा जी क्वेश्चन नंबर थ्री में जो है वो जो अनपेयर है उसको आप डिवाइड कर दें तो डिवाइड के बाद आने वाला आंसर परफेक्ट स्क्वायर होगा इस तरह क्वेश्चन नंबर एट है क्वेश्चन नंबर फोर है एक्सरसाइज फोर भी आ गई परफेक्ट स्क्वायर निकालने का जो मेथड है वो दो तरीके से फोर ए के अंदर फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स के ज़रिए से पता लगाना था फोर बी के अंदर डिवीजन मेथड है डिवीज़न मेथड थोड़ा सा यूनिक है इसमें मल्टीपल्स में आपको स्क्वायरिंग में नंबर्स लेने जो आप नंबर सपोज करेंगे उसको उस ही से मल्टीप्लाई करना होगा और आने वाला नंबर फिर अपने नंबर में ऐड हो जाएगा तो इसका डिफरेंट मेथड है इसके पार्ट्स हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर फाइव फाइव सिक्स में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं अच्छा जी तो इस वीडियो में ये है, फोर ए के अंदर फैक्ट्राइजेशन के ज़रिए से परफेक्ट स्क्वायर का पता लगाना होता है फोर बी में डिवीजन मेथड के ज़रिए से पता लगाना होता है तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह